हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी डॉट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं 31 मार्च 2024, 15 अप्रैल 2025, 31 जनवरी 2027 या फिर 31 जनवरी 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिम गंगा जो योजना है वो चलाई जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी हिम उन्नति योजना है, इसका संबंध कृषि से है, ठीक है। कृषि के समग्र विकास के लिए क्लस्टर अप्रोच को अपनाया जाएगा, ठीक है, कृषि की उन्नति के लिए। तो हिम उन्नति योजना आपकी कृषि से रिलेटेड है। और आपकी जो हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना है, ये आपकी बागवानी से रिलेटेड है, ठीक है। बागवानी के रिलेटेड आपके जो 7 जिले हैं, वहाँ 1200-1300 करोड़ के लगभग जो है बागवानी विकास के लिए इस परियोजना को चलाया गया है। और आपकी जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, ये आपकी गरीब बच्चों के लिए है, ठीक है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ऋण के ऊपर, अगर आप जैसे पढ़ाई के लिए ऋण लेते हैं तो उसके ऊपर उपदान के लिए ये योजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कहाँ पर 68 करोड़ रुपए से उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बाकना घाट, जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 कितने रुपए का प्रस्तावित हुआ। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने बताना है इस चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 53,413 करोड़ रुपए का जो है बजट इस बार प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना है। तो इन चारों में से बताना है किसकी सहायता से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया जाना है, लगभग 2000 करोड़, ठीक है, इसका बजट है। इसमें से 1600 करोड़ जो है वो आपका विश्व बैंक देगा, बाकी के पैसे हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। तो इन चारों में से बताना है कहाँ पर आपका चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बनखंडी, जो आपका ऊना में पड़ता है। अगला प्रश्न है, परिवारों से संबंधित आवश्यक सूचना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस परियोजना की शुरुआत होगी। तो इन चारों में से बताना है किस परियोजना की जो है किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हिम परिवार पोर्टल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदार जैसे दर्जी हो गए, नाई हो गए, चाय हो गए, ठीक है, चाय या फिर रेड़ी वाले आदि को 50,000 रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज पर कितना उपदान दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि 40%, 50, 60, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। यहाँ लघु दुकानदार जैसे आपके दर्जी नाई वगैरह हो गए, 50,000 रुपये के ऋण पर उनको 50% जो है ऋण पर उपदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किसका गठन किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अवैध खनन काफी होता है, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइवेट बस ऑपरेटर या फिर आपके जो प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर है, उनको ई बस या फिर ई ट्रक की खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम कितनी राशि पर उपदान दिया जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी राशि है जिस पर उनको 50% का उपदान दिया जाएगा। तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की राशि पर उनको उपदान दिया जाएगा। मतलब कि आपका जो एक तरीके से हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो सबसे पहले सरकार जो अपनी 1500 डीजल बसें हैं, ठीक है, सरकार अपनी 1500 डीजल बसें हैं HRTC की, उसको कन्वर्ट करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक बसेस में, ठीक है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इसी तरह से प्राइवेट बस ऑपरेटर को प्रोत्साहित करने के लिए वो इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करे, ठीक है, तो 50% की जो है राशि पर उनको उपदान दिया जाएगा। इसी तरह से आपकी जो 20,000 जो आपकी मेधावी छात्राएं हैं, ठीक है, उनको 25,000 तक की
जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटरी होती है, ठीक है, 25,000 तक की इलेक्ट्रिक स्कूटरी का दान दिया जाएगा, मतलब 25,000 जो रुपए हैं वो सरकार देगी, बाकी आपके खुद के होंगे। अगला है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान हिमाचल प्रदेश हिमाचल की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज 7.66% की वृद्धि इस बार आपकी हिमाचल की अर्थव्यवस्था में हुई है। और इस बार की जो अनुमानित है, जो गैसेज है कि इस बार कितनी वृद्धि हो सकती है, तो वो आपकी गैस की जा रही है 6.4% की वृद्धि होगी इस बार की। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। ठीक है, तो 2021 और 22 की बात करें तो 2021 और 22 के दौरान जो आपका खाद्य उत्पादन है वो रहा है 16.92 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, उससे लास्ट ईयर 2020 और 21 के दौरान जो आपका खाद्यान्न उत्पादन था वो 15.21 लाख मीट्रिक टन रहा था, जो बढ़ के 16.92 लाख हो गया है। और आपका जो फलों की बात करें, अगर केवल फलों की बात करें, तो लास्ट ईयर जो आपका खाद्य उत्पादन था फलों का वो 6.24 लाख मीट्रिक टन रहा था, और इस साल जो बढ़ के वो आपका 7.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है, लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आईकी डॉट्स।